हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा क्रोशे का डिजाइन लाई हूँ। तो आपने देखिए, जो चैन बुननी है छः छः के मल्टीपल पे बुननी है और उसके बाद आपने तीन चैन एक्स्ट्रा बुननी है। और मेरा क्रोशिया नंबर है 2.5 mm। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने छः छः के मल्टीपल से देखिए 18 फंदे डाले हैं और तीन एक्स्ट्रा डाले, 21 चैन बुन ली है मैंने। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, एक दो तीन, यानी तीसरे चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा डिजाइन है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इसे इजीली बना लेंगे। देखिए इस तरह से हर चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। देखिए इस तरह, तो मैं इसे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने डबल क्रोशे से देखिए 21 बार बुन लिया है, 21 थे ना, 21 बार बुन लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए एक चैन बुनिए, इसे पलट लीजिए और देखिए यहाँ एक दो तीन, देखिए तीन बार सिंगल क्रोशे से। और देखिए जब मैंने तीन बार सिंगल क्रोशे से बुन लिया, तो देखिए एक छोड़ के इस वाली चैन में, यहाँ आपने इस चैन के अंदर पांच बार डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए दो तीन चार और ये पांच। अब आपने देखिए एक चैन छोड़िए सेकंड चैन में, एक सिंगल से यानी सिंगल स्टिच से दो तीन, सिंगल क्रोशे से तीन बार। फिर देखिए एक छोड़ के सेकंड में, इसके अंदर आपने पांच बार डबल क्रोशे से डीसी यानी डबल क्रोशे से बुनना है। एक दो तीन चार पाँच, फिर देखिए एक स्किप करिए यानी छोड़ दीजिए दूसरे में, एक दो तीन और यहाँ देखिए एक छोड़ के यहाँ पांच बार आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक दो तीन चार और ये पांच, फिर देखिए एक छोड़ के यहाँ एक दो और तीन, इस तरह से। यहाँ से फ्रेंड्स हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे, तो देखिए इस तरह से तैयार होगा कुछ। यहाँ से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे, आप अपनी पसंद का कोई सा भी लगा सकती हैं। देखिए इस तरह से इसे टाइट कर देंगे। अब आपने देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनिए, इसे पलट लीजिए, पलटने के बाद देखिए एक बार लीजिए और ये देखिए यहाँ से ये है ना, देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए बीच में है ना, यहाँ से आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है एक, और अब देखिए इसके बीच में से लेना है आपने, देखिए किस तरह से, इस तरह से ये दो दो हो गए, एक चैन बुन लिया, फिर इसे पलटिए और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो आपने एक में बुना था ना, बस इसके अंदर यहाँ से आपने एक बार डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए एक चैन के बाद यहाँ इस तरह
बुन लिया। फिर आपने देखिए यहाँ एक चैन बुननी है, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो तीन थे ना यहाँ देखिए नीचे, यहाँ आपने डबल क्रोशे से तीन बार बुनना है। देखिए एक, फिर इसके नीचे से दो, फिर इसके नीचे से यहाँ तीन, ये देखिए इस तरह से। फिर एक चैन बुनिए और एक पीछे से देखिए, यहाँ जो आपने एक बार एक में पांच बार बुना था ना, बस उसी के अंदर से आपने यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर एक चैन बुन दीजिए और फिर आगे से आपने देखिए यहाँ ये जो तीन थे ना, इन तीनों के अंदर एक एक बार आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, एक चैन और देखिए यहाँ इस तरह, फिर एक चैन और देखिए अब हम यहाँ किनारे पे दो बार बुनेंगे, क्योंकि ये किनारा है, हमने शुरू में भी दो बार बुना था, इस तरह से हम इसमें भी दो बार बुनेंगे। एक, दो और यहाँ डबल क्रोशे से इसको यहाँ पे इस वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कुछ लुक आएगा डिजाइन का। देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन इतना ही है। अब हम जो करेंगे देखिए रिपीट करेंगे, तो कैसे करेंगे आप एक बार और देख लीजिए। एक एक चैन बुनिए, इसे पलटिए और ये देखिए एक, दो, तीन, देखिए तीन बार सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। अब आपने क्या करना है देखिए, यहाँ से एक बल लीजिए और देखिए ये जो ये है ना आपका एक, ये जो आपने बनाया था इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर अब आपने पांच बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, देखिए पांच बार बुन लिया। फिर आपने क्या करना है देखिए, ये तीन चैन है ना, देखिए ये तीन थे तो इन तीनों के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए। एक, दो, ये तीन, देखिए तीन है ना, इन तीनों के ऊपर तीन बार बुन दिया। फिर आपने देखिए इस वाली लाइन के ऊपर पांच बार बुन दीजिए। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। फिर आपने देखे देखिए तीन है ना, इन तीन के ऊपर सिंगल क्रोशे से बुनिए। एक, दो, तीन और देखिए अब इसके ऊपर हम पांच बार बुन रहे थे तो यहाँ पांच बार बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच के बाद देखिए यहाँ सिंगल से एक, दो और ये लास्ट में तीन। यहाँ फ्रेंड्स हमने अपना वाइट कलर लगाना है, देखिए इस तरह। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए फ्रेंड्स अब वाइट से बुनेंगे, तो देखिए एक, दो, तीन, तीन चैन बनेंगे और आप देखिए एक बन लेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो आपने बनाया था यहाँ इसके नीचे इसके बीच में से, ये देखिए यहाँ से डबल क्रोशे से एक और अब इसके नीचे से दो, फिर एक चैन बुनिए और पीछे से देखिए यहाँ से इस तरह, फिर एक चैन और देखिए अब फ्रेंड्स ये देखिए ये जो आपने बनाए थे ना तीन बार, बस आपने अब व्हाइट से इसके ऊपर तीन बार डबल क्रोशे से एक, ये दो और ये तीन इस तरह से। फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ यहाँ से आपने पीछे से एक बार पीछे से बुनना है डबल क्रोशे से, फिर एक चैन बुननी है और देखिए यहाँ
तीन बार बुनेंगे डबल क्रोशे से, एक दो और ये तीन, फिर एक चैन बुनिए और पीछे से पहले आपने इस लाइन पे, ये जो लाइन बनाई है ना एक आपने देखे ग्रीन से, यहाँ एक बार बुनेंगे, एक चैन बुनेंगे और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ दो बार बुनेंगे डबल क्रोशे से, एक दो और लास्ट में यहाँ तीन बुन देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए अब हम इसे रिपीट करते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं आपको रिपीट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने देखिए इस कलर से भी बनाया, तो देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन लग रहा है। और देखिए रिपीट करने के बाद सिर्फ आपने समझ लीजिए फ्रेंड्स, टू ही रो तो रिपीट करनी है, टू व्हाइट से, टू ऑरेंज से, टू व्हाइट से, टू ऑरेंज से, और इसका इतना प्यारा सा आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।